सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री वालिद भोल सांचे दरहर की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्तशलोके दुर्गा शिववाच देवितां भक्तसुलभे सर्वकार्यभिधायने कलभिकार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्यो वाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलं सर्वेश साधनं मया तमेव स्नेहेनाप्यन्वस्तुभिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तशलोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषिः अनष्टमछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्था सप्तशलोके दुर्गापाठे विनियोगः। ज्ञाननाम विजेतांसि देवी भगवती सा बलाधा कृष्णमहाय महामाया प्रयश्यति। दुर्गे स्मृता हरिसिद्धिमशेषयन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखवयहारिणिका त्वदन्या सर्वापकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतलीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयश्राहिनो देवी दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगाणशेषानपहर्षदुष्टात् दृष्टातृकामान सकलान्नभीष्टात् वामाश्रितानां विपन्नानां वामाश्रितायाश्रयतां प्रयाते सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे। एवमेव त्वया कार्यम् अस्वैरिविनाशन। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोमुद्यहङ्कारा चित्तरूपा चिताचिरिः सर्वमन्त्रमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भाविनि भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जने
అవేయ విక్రమాగ్రోర సుందరేశ్వర సుందరి భరదుర్గా చ మాతంగి మతంగ మునిపూజిత బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరి చంద్రి కౌమారి వైష్ణవి తథా చాముండా చైవ వారాహి లక్ష్మీ చ పురుషాకృతి దేవాదకర్షణి జ్ఞాన క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిద బహుళ బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన నిశంభ శంభారణి మహిషాసురమర్దని మధుకైటవహంత్రే చ చంద్రమండ వినాశని సర్వాసుర వినాశా చ సర్వదానవఘాతని సర్వశాస్త్రమయీ సత్యా సర్వశ్రధారణీ తథా అనేక శస్త్రహస్తా చ అనేకాస్త్రస్య ధారిణి కుమారీ చైక కన్యా చ కేశాలీ యువతీయతి అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతా ఫలప్రద మహాధరి ముక్తకేశి ఘోరరూప మహాబల అగ్నిజ్వాలారద్రముఖి కాళరాత్రి స్తపస్విని నారాయణి భద్రకాళి విష్ణు మాయా జలోధరి శివజ్యోతి కరాలి చ అనంత పరమేశ్వరి కాత్యాయణి చ సావిత్రి ప్రత్యక్ష బ్రహ్మవాదిని జాహిరం భ్రమణే నిత్యం దుర్గా నామ శతాశక నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిషో లోకేషు పార్వతి ధనధాన్యం సుసంజాయ అయం హస్తమేవ చ చతుర్వర్గం తథా చాంతే లభేన్ ముక్తిం చ శాశ్వతీం కుమారీం పూజయత్వా దేవీం సురేశ్వరీం పూజయ త్వరయా భక్త్యా పరే నామ శతాశక కస్య సిద్ధిర్లభే దేవి సర్వే సర్వరే రాజానాశాంతి రాజ్య శ్రేమవాప్యాత్ ఘోరాచనాలక్తకుంకుమేన సింధూర కర్పూర మధుత్రేణ వీక్షయంత్రం విలీన విదిగ్య భువే సదాధార్యతే పురారిః వామావాస్యాని సామగ్రే చంద్రే శతవిశాం గతే విలక్ష్య భ్రమణే స్వగ్రం సర్వే సర్వదాత్మన प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ते हैं, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनके कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण राज्य का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य मैं जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टभछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गण्यासोक्तमातरो बीज दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाख्यातं सर्वे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महाघोरीति चाष्टम नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये कदोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभवरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्य भक्त्या स्मृतानूनां तेषां विद्ये प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसेतान संशयः। रेतसत्तातु चामुण्डा वाराहि महिषासना ऐन्द्रेकय समारूढ वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना राणी हंस समारूढ सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्विताः। नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिहलं च मुसलायुधं कैटकं तोमरं चैव पशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीर्थं देवानां च हिताय मे। नमस्यस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाभय महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्टैश्च शत्रूणामभयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाणि देवता दक्षिणयामधुवाराहि नैरित्यां खड्गधारणे प्रदेच्यां वारुणे रक्षद्वायव्यां मृगवाहिने उदेच्यां वातु कौमारे ऐशान्यां शूलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षदस्तार्वैष्णवे तदा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डाशववाहना जया मे जाग्रदापातु विजयापातु दृष्टदा हरिता भाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामद्योतने रक्ष उमामोद्रे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुव रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवमध्ये यमघण्टा च नासिके
शंकरे चक्षुषमध्य श्रोत्रयोद्वारवासने कपालौकालिकारक्ष्य कर्णमूले तु शंकरे नासिकायां सुगन्धश्च उत्तरश्चे च चर्चिका अदरे च मृतकला निर्वायं च सरस्वते दन्तालक्षतकौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामाया च दालुके कामाक्षीजौकौरक्ष्य वाचमे सर्वमङ्गला देवायं भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुधरे नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलिकोवरे चन्द्रयो खड्गनिरक्ष्य बाहु मे वज्रधारणे हस्तयो दण्डनिरक्ष्य अम्बिका चाङ्गुलेश च नखाचोलेश्वरे रक्ष्य कक्षोरक्ष्ये कुलेश्वरे स्तनो रक्ष्य महादेवे मनः शोकविनाशने हृदयविता देवे उदरे शूलधारणे नाभौ च कामिनि रक्ष्य गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतना कामि कामेकं कुले महिषवाहिने कर्यां भगवती रक्ष्य जानुनि विन्ध्यवासिने जङ्गे महाबला रक्ष्य सर्वकामप्रदायिने गुल्फयो नारसिंहे च पादपृष्ठे दुतेयते पादाङ्गुलेषु च रक्ष्य पादादस्तवासने नखादशाकराले च केशादेवोर्ध्वकेशने रोमकोपेषु कोवेरि त्वचं भागेश्वरे तदा रक्तमज्जावसामास न्यसि मेधासि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावती पदं कोशे कफे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखेन गज्ज्वाला भवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष्य छायां क्षत्रेश्वरी तदा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष्य मे धर्मधारणे प्राणापाणौ तथा व्यानं प्रदानं च समानकं ध्वजहस्ता च मे रक्ष्य प्राणं कल्याणशोभना रसेरूपे च गन्धे च शब्दे स्वशे च योगिने सत्त्वलयस्तमश्चैव रक्ष्य नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवे जजाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष्य पशुन् मे रक्ष्य चण्डिके पुत्रान् रक्ष्य महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवे अन्धानां सुवदा रक्ष्य मार्गं केमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदर्शिता रक्षाहीनं तनस्थानं भर्जितं कवचेन तत्सर्वं रक्ष्य मे देवि जयन्ति पापनाशने पदमेकं न कश्यतु जलेच्छमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजया सार्वकामिकः ज्ञानं चिन्तयते कामं तन्त्रं प्राप्नोति निश्चित परमेश्वरमदलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भया जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः हे लोके दुर्भेद्भुज्यः कवचेन पुमान् निधन्तो कवचं देवानामविधानम् यावणे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं च ध्यायितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे वर्षसग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोदा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभिषद्विष अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजनः केचनाश्चैव जलयाश्च मलेशिकाः सहजा कोजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्य च महाबला ग्रहभोगविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाभैरवादया नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचेदर्शिते मानोर्वैराग्यश्रेयवृद्धिकरमः जलदा वर्धते स्वामि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सम्मृजते जण्डिं कृत्वा दुःखजम्भुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकालनं तावदीश्वरि मे दिन्यां सन्तति पुत्रपोत्रिके देहं देवनमं स्थानं जत्सुरेरविदुर्लभम्
ब्राह्मणादेव जनित महामाया प्रसादतः लभते परमशिवनाथे। अथ अर्घलस्तोत्र। ॐ अस्य श्री अर्घलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षे अनुष्टवशन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीनगरम्बाद्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मालकण्डे उवाच। ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा च मा शिवादात्रे स्वाहा सदा नमस्ते। जय त्वं देवि चामुण्ड जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते। मधुकैटव विद्रावे विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जय देहि तुजो देहि महिषासुरनिर्णाथे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि रक्तबीजावले देवि चण्डमण्ड विनाशने। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्जने। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि वन्दिताग्नियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने। रूपं देहि जयं देहि दश देहि द्विजो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशने। रूपं देहि जयं देहि दश देहि द्विजो देहि गतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि दश देहि द्विजो देहि सुमद्भ्या भक्तिपूर्वं त्वा चण्डिके व्याधिनाशने। रूपं देहि जयं देहि दश देहि द्विजो देहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि दश देहि द्विजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशयम्। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि सुरासुरशिरोरत्ननिग्रश्च चरणाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि विद्यावन्तं जशल्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनकुरु। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि प्रचण्डदत्तदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्र संसुते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि इन्द्राणि परि सर्वावपूजिते परमेश्वरे। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि देवि प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्पविनाशने। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि देवि भक्तजनदान दत्तानन्दोदयम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जश देहि द्विजो देहि पत्नि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणे तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भव। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशति सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा। ॐ अथ कीलक। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवशन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यरथ सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन
जपे विनियोग ॐ नमः शण्डिकायै मालकण्डेरवाच ॐ विशुद्धग्रामदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे क्षयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाददर्शने सर्वमेतद्वियानीय मन्त्राणाम विकेलक सोऽपि क्षेममवाप्नोति सतदव्याप्य तत्पर सिद्धेन प्रचाटनादीनि वस्तूनि सकलानि मे एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नाम चाशलं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काभिमानरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभ स्तोत्रमे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारश समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताजता वैनियन्त्रणा स्वपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव गुणसञ्जय कृष्णायामाच सदस्य अष्टम्यामा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णादीनान्यदेश प्रसीदते इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीलाम् विधायेन नित्यम् यवतीसगुणम् स सिद्धः स्वगणः सोऽपि गन्धर्व जायते नरः न चैवाप्यस्तस्य वयम् क्वापीह जायते नापवृत्य वशल्याति मृदो मोक्षमवर्णयात् यात्रा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादिज्ञञ्च दृश्यते रामायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरचकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यप्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परमोक्षः श्रूयते सा न किम् जनैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र हरि गिरिनन्दिनि नन्दिनि Gracias.
Thank you.
गले लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अत क्षमा प्रार्थना अपराध सारे प्रियंते हरण जामया उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ भगवती जगजन्य के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके माँ के चरण नतमस्त होते ही
अपना मस्तक माँ के चरण झुकाते ही इस माँ जगजन ने जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बन जाती है। और ये भगवती हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अनशन रक्षा करती हैं और सब वर्षण भक्तों का कल्याण करती हैं। वन भक्ति भक्ति जो है वह सच्ची होनी चाहिए, सच्चे हृदय से। अब जब भी माँ को पुकारोगे, माँ को याद करोगे, निश्चित रूप से माँ भगवती आपकी पुकार को सुनेगी और सब ओर से आपकी रक्षा करेगी। कुपुत्र जात कुछ माता न भवते, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी को माता नहीं होती। माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होते ही और माँ सदा सर्वदा अपने बच्चों पर दया दृष्टि रखती है। जब भी विशुद्ध मन से आप माँ भगवती का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तो देव जो है कहते हैं कि भक्त की पुकार को सुनते हैं। ऐसा नहीं है देव जो है वे भक्त की पुकार को नहीं सुनते। भक्ति भक्ति इतनी शक्ति होती है कि देव को भगवान को जो है उसकी पुकार सुन करके वहां पर आना पड़ता है। इतनी शक्ति होती है भक्त की भक्ति में, जब वह सच्चे हृदय से देव को पुकारता है देव आते हैं। जिस समय द्रौपदी बड़े संकट में थी, पहले तो से ये था कि मेरे पांच पति हैं और दुशासन को बार बार मैं कह रही थी मेरे पति जो तुझे दंडित करेंगे, परंतु दुशासन ने उसका बड़ा अपमान किया और केशव से पकड़ करके घसीटते हुए जो है सभा में ले आया। वहां पर उसने देखा कि पांचों पति वहां पर बैठे हुए हैं और वहां उसने गुहार लगाई कि दुशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ दुष्टता की है, मेरा अपमान किया है, इसको दंडित कीजिए, दंड दीजिए। परंतु पांचों पति गर्दन झुकाए वहां बैठे थे, कोई भी कुछ भी बोल नहीं पाया, कोई रक्षा नहीं की किसने भी। और वहीं पर गुरु द्रोणाचार्य जी कृपाचार्य इतने शक्तिशाली जो है जी बैठे हुए थे, उनसे प्रार्थना की गुरुदेव मेरे रक्षा कीजिए। सब मुख बैठे हुए, विष्णु पितामह जो है जिस समय कहते हैं कि उनके समकालीन कोई ऐसा योद्धा ही नहीं था जो उनका सामना कर सके, ऐसे योद्धा जो है जब उनसे गुहार लगाई किसने मेरा अपमान किया इसको दंडित कीजिए, तो भीष्म पितामह ने भी अपनी गर्दन झुका ली। राजा धृतराष्ट्र सभा में बैठे हुए थे, कहते कि उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा कि आपके पुत्र वधु ना सही एक नारी जाति का अपमान हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, कहीं से कोई सहायता मिले ही नहीं। कहते हैं कि जिस समय कहीं से कोई सहायता मिले ना, तो एकमात्र एक ही सहायक होता है, वह परमपिता परमात्मा भगवती जगजननी। उस समय जो है द्रौपदी जब भगवान कृष्ण का स्मरण करती है, जिस समय उसका अपमान हो रहा था, कहते हैं उसी क्षण जो है भगवान जो है वहां पर साड़ी के रूप में ऐसे प्रकट हुए हैं, द्रौपदी को दिखाई दिए परंतु वहां पर किसी और को दिखाई दिए नहीं, भगवान कृष्ण वहां पर थे। इस प्रकार उसकी लाज बचाई। तो भगवान कहते हैं किसी परिस्थिति में यदि आप सच्चे हृदय से मुझे याद करते हो, मुझे पकार करते हो, मैं अवश्य आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपका कल्याण करूंगा। इस पर सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जब माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, जब माँ भगवती उनकी प्रार्थना को सुनती है, उनकी जो भी मनोवृषित कामना होती है जो भगवती जी है उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और सब वर्षण भक्तों का कल्याण करती है, उनका मंगल करती है। बोलो सच्चे दरबार की। इस स्थान को किसने देखा था, किस पर माँ ने कृपा की थी, जो आपको बतला रहा था कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि भक्ति करते हैं
और बीच में उग जाएं, जितने दिन हो गया भक्ति करते हुए तो जो है अभी तक कोई चमत्कार हुआ नहीं। चमत्कार का मत सोचे, अपना कर्म करें। कर्म जो है आपका कर्म ही फल लेकर के आएगा। इसलिए सदमार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करें, और इस प्रकार धर्मानुकूल कर्म करते हुए मां भगवती का सदा श्रद्धा स्मरण करें, मां की कृपा होगी। क्योंकि वह भगवती जी ही, वह हृदयेश्वरी सबके हृदय में बैठी हुई है, वह सबके हृदय की बात को जानती है। आप घर से चले हैं तो वास्तव में जो मां का बुलावा है, जिनको जो बुलावा देती है उन्हीं के हृदय में ऐसे विचार आते हैं कि हम कोई सत्कर्म करें, तीर्थाटन करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चले, माँ के दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी जो उनके हृदय में ऐसे विचार आते हैं। जब माँ की कृपा होती है, माँ उनको बुलावा भेजती है, तो भक्त जन जब माँ के दरबार में आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि करड़ के पास ही हंसाली नाम का गांव है, वहां पर श्रीधर नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े निर्धन थे, उनके घर को संतान नहीं थे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भक्त श्रीधर जो है इस मां भगवती आदि शक्ति की उपासना किया करते थे। उनके जीवन का ऐसा नियम था कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, संध्या वंदन करना, उसके उपरांत गांव की छोटी छोटी कन्या को बुला करके उन्हें साक्षात मां भगवती का रूप मान करके उनका पूजन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उसके उपरांत ही वह अंजल ग्रहण करते थे, जो उसका निजम था। एक निजम जब भक्त ले लेता है, उसका पालन करता है, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर निजम पक्का हो, कभी आलस नहीं होना चाहिए उसमें कि मुझे ये कर्म करना है, चाहे कुछ भी आंधी हो तूफान हो, वह कार्य करना तो करना है। वो सच्चे दरबार की जय। तो निजम जो है, जब निजम ले लेते हैं कि हमें इतने बजे उठना है, स्नान करना है, उसके बाद माँ की जोत जगानी है, माँ का ध्यान करना, माँ की आरती करनी है, फिर अपने कार्य में जाना है, तो श्रद्धा युक्त होकर के जब साधक जो है उस माँ भगवती की शरणागत होता है, तो यकीन मानिए माँ का साक्षात्कार होता है। माँ की ऐसी कृपा होती है कि जीवन अद्भुत चमत्कार हो जाता है। कहते हैं भक्त श्रीधर जी ऐसे निजम पूर्वक माँ की पूजा करते थे। कन्या पूजन एक ही निजम लिया था, कन्या पूजन किए बिना अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। माँ की कृपा हुई, एक दिन जो है माँ को दया आई, भक्त श्रीधर इतनी श्रद्धा से पूजा करता है, तुझे माँ भगवती वैष्णव जो है कन्या का रूप धारण कर करके कन्या के रूप में उन्हीं कन्या में आकर के बैठ गई। माँ ने जिन भक्तों को दर्शन दिए हैं वे कन्या के रूप में ही दिए हैं। कन्या पूजन जो है, जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन जो है, ये सद्या फलदायी बतलाया गया है। और 4 वर्णों की कन्या का पूजन आप कर सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए माँ की उपासना करता है, माँ से प्रार्थना करता है, उसे ब्राह्मण करने की पूजन जैसे करना चाहिए, वो शीघ्र जो है उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। जो शत्रु विजय प्राप्त करने के लिए जो है भगवती की साधना करते हैं, कष्ट में है, शत्रु दुख दे रहे हैं, तो उन्हें जो है क्षत्रिय करने का पूजन जो है ये सद्या फल दैवत लाया गया है। जो धन की प्राप्ति के लिए धन आता है रुकता नहीं है, या फिर जो धन में कारोबार में हानि हो रही है, तो उसमें इस प्रकार से बतलाया गया कि वेश्य करने का पूजन जो है वह सद्या फलदायी है, वो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। और रोग निवृत्ति के लिए कोई ऐसा रोग, असाध्य रोग जो है उपचार करवाने से भी कहीं कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कहते हैं कि माँ की शरणागत होकर माँ की आराधना करें और जो है शुद्ध कन्या का पूजन सद्या फलदायी बतलाया गया है। इस प्रकार चारों कन्या का पूजन जो है, जे 4 वर्णों की कन्या का पूजन जे जो है बतलाया गया श्रीमद् देवी भागवत में, इस प्रकार से माँ के शरणागत होकर के माँ की साधना करें, माँ की अवश्य कृपा होगी और माँ की कृपा से जो भी आपकी मनोबल सिद्ध कामना है वह पूर्ण होगी। माँ वैष्णवी जो है कन्या के रूप में कन्या में आकर के बैठ गए,
भक्त श्रद्धा जी एक ओर से कन्या पूजन करते हुए जब आगे बढ़े तो देखा जब वैष्णो का पूजन करने लगे तो देखा बड़ी अद्भुत बालिका है, मुख मंडल का इतना तेज है। इस देख करके बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस कन्या को कभी देखा नहीं, बड़ी अद्भुत बालिका है। ऐसा विचार करते हुए भक्त सज्जनों से पूछ लिया कि देवी आप कौन है, कभी पहले कन्या पूजन में आप आए नहीं है, कभी आपको देखा नहीं। माँ ने कहा कि भक्तराय आप जिस देवी का प्रतिदिन पूजन करते हैं मैं वही वैष्णव हूँ। बोल वैष्णव माता की जय। माँ वैष्णो देवी की साक्षात दर्शन हुए, ये भक्ति का फल है। धन्ना जट ने पत्थर की पूजा करके भगवान को प्रकट कर लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। ध्रुव ने 6 महीने में भगवान की भक्ति कर करके भगवान का साक्षात्कार कर लिया। प्रहलाद के लिए भगवान स्वयं वहां पर आए। शबरी के लिए जो है भगवान सबको पूछते शबरी का आश्रम कहाँ है, भगवान आए। अद्भुत शक्ति होती है भक्ति में, परंतु भक्ति सच्ची हो तो। माँ का साक्षात दर्शन हुआ, माँ कहती है कि भक्तराज आप कन्या पूजन कीजिए, उसके उपरांत मैं अपना वृत्तांत आपको बतलाऊंगी। भक्त सज्जन ने सब कन्या का पूजन किया, वैष्णव से सबका पूजन किया, साक्षात माँ का पूजन किया है। साकार रूप में माँ वहां पर आई। अब जो है कन्या पूजन के उपरांत भक्त सज्जन ने सभी कन्या का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रतिदिन की भांति सब कन्या आशीर्वाद दे करके अपने अपने घर को लौट गए और जो माँ वैष्णवी वही बैठी रही। तब माँ ने भक्त सज्जन से कहा कि भक्तराज आज के 3rd दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो। उस भंडारे के लिए सब गांव गांव में जाकर नगर नगर में जाकर के सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दो। इतना कहकर के माँ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब जो दूसरे भक्त सज्जन जी प्रातः उठे, स्नान किए, संध्या वंदन किए, कन्या पूजन किया, माँ का आशीर्वाद लेकर के अब घर से चल पड़ा। जो भी मिलता है रास्ते में या घर में, प्रत्येक घर घर में जाकर गांव गांव में जाकर के नगर नगर में जाकर के जो भी मिलता है सबको हाथ जोड़ करके वह जय माता जी बोलता है और वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण देता है। कल हमारे वैष्णव भंडारा आप वहां पर आमंत्रित है। भंडारे का निमंत्रण दे करके सायंकाल को वापस लौट रहा था तो रास्ते में उन्हें योगी वैरवनाथ जी मिले। योगी वैरवनाथ जी को भक्त श्रीधर ने प्रणाम किया और कहा महाराज कल हमारे वैष्णव भंडारा है, आपका निमंत्रण है। योगी वैरवनाथ विचार करने लगा जी ब्राह्मण इतना निर्धन है, इसके तो घर में स्वयं कुछ खाने को नहीं है, तो हमें भंडारा क्या खिलाएगा जी। तब योगी वैरवनाथ ने कहा कि ब्राह्मण मेरे साथ बहुत सारे शिष्य हैं। तब जो है भक्त श्रीधर ने कहा महाराज कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन कन्या थी, उसी आज्ञा अनुसार जो है उसी की आज्ञा है कि यहाँ पर वैष्णव भंडारा रखो, सबको निमंत्रण दो, इतनी मुझे आज्ञा हुई है, इसलिए आप भंडारे का निमंत्रण देकर वापस लौट रहा था, आपसे भेंट हुई। मेरी आपसे भी करवत प्रार्थना है आप जो है निमंत्रण स्वीकार करें, भंडारे में आए। योगी वैरण ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, मैं शिष्य से जो है इस भंडारे में अवश्य आऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। दूसरे दिन भंडारे का समय हुआ, सभी अतिथिगण वहां पर आने लगे और वहां पर कोई भंडारे की व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि श्रीधर के पास कुछ था नहीं। अब वक्त श्रीधर जो है कहते हैं कि उन्होंने माँ की जोत जगाई, एकांत में बैठे माँ की जोत जगा करके और माँ का स्मरण किया, माँ को याद किया कि माँ तेरे कहने पर तेरी आज्ञा अनुसार मैंने सबको निमंत्रण दे दिया और अब तो भंडारे का समय भी हो रहा है, सभी अतिथिगण जो है एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे सारी व्यवस्था करूंगा। और सबसे बड़ा भय तो मुझे योगी वैरवनाथ का है, यदि भोजन करवा पाया तो इस प्रकार से वह न जाने क्या अनर्थ कर दे। कहते उस समय एकाग्रचित होकर के माँ की जब जोत जगाए, एकाग्रचित हुआ, माँ को पुकारा, माँ को याद किया, तो कहते उसी क्षण जो है माँ भगवती साक्षात कन्या रूप में हाथ में दिव्य करमंडल लिए हुए भक्त श्रद्धे के पास प्रकट होगी। बोलो जग जन वैष्णव माता की जय। माँ वैष्णव जो है वहां पर प्रकट हुई है। तब जो है माँ ने जो है भक्त श्रद्धे को पुकारा कि भक्तराज अपने नेत्र खोलो।
ध्यान में था तो हाथ से हिलाया, हाथ सिर पे आ गया मां का। भक्तराज अपने नेत्र खोलो। भक्त श्रीधर ने अपने नेत्र खोले, सामने देखते हैं मां वैष्णवी, मां सामने खड़ी है। भक्त श्रीधर झट से उठे, मां के चरण दंडवत प्रणाम किया, मां की स्तुति की, मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भक्त क्यों घुराता है। मां तो सदा सर्वदा भक्तों के भय को दूर करती है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवेश राही नौ देवी दुर्गे देवी नमस्ते। मां से प्रार्थना करते हैं भक्त जी। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से आप हमारी रक्षा करें, आपके चरणों में हम सबका नमस्कार है। तो ये भगवती भक्तों को भय मुक्त करती है, दुष्टों को भय देती है। तो मां कहती है कि भक्त आप क्यों भयभीत हैं, भय क्यों करते हैं, निश्चिंत हो जाइए। तब मां ने अपने योग द्वारा वाम पर एक कुटी का निर्माण किया और भक्त श्रीधर से कहा कि सबको आदर पूर्वक इस कुटिया के अंदर बिठाइए, जो भी अतिथिगण आए हैं। छोटी सी कुटिया है, भक्त श्रीधर सामने खड़े हो गए और सबसे प्रार्थना करते हुए आइए विराज्य भंडारे में। सब कुछ जयमाता जी बोलते हुए जो है सभी जो कुटिया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और इस प्रकार छोटी सी कुटिया सभी उसी के अंदर बैठे जा रहे हैं। जोगी वैरनाथ अपने शिष्य सहित भी भी उस कुटिया में अंदर बैठ गए। जब सब बैठ गए तो भी उस कुटिया के अंदर स्थान खाली रहा। ये अद्भुत चमत्कार देख करके जोगी वैरनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, जो कि मायावी शक्ति अपने माया द्वारा ये जो है ये सब चमत्कार दिखला रही है, या फिर उस मां भगवती आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। अब जो है जब सभी बैठ गए तब मां ने उस कुटी के अंदर प्रवेश किया, एक ओर से सबको भोजन परोसने लगी। एक एक मंडल है और सबके इच्छा अनुसार जो है एक ही कर्मंड से अनेक पदार्थ जो है परोसते हुए मां भगवती आगे बढ़ रही थी। और इस प्रकार से भोजन परोसते परोसते जब मां जोगी वैरनाथ के पास पहुंची तो जोगी वैरनाथ जी ने मां को रोक लिया और कहा कि अब सबको सबके इच्छा अनुसार जो है भोजन परोस रही हूं, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है हमें वैसा भोजन मिलना चाहिए, तामसिक भोजन। तो मां ने कहा योगीराज ये वैष्णव भंडारा है, जब वैष्णव भोजन मिलेगा इसको स्वीकार कीजिए। इतने कहकर के जैसे मां आगे बढ़ने लगे तो जोगी वैरनाथ ने उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु मां उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बोलो वैष्णव माता की जय। योगी वैरनाथ ने अपने ध्यान द्वारा देखा तो मां बाण गंगा के पास खड़ी थी, हनुमान उनके साथ थे और वहीं से जोगी वैरनाथ ने मां का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ लोगों तो कहना है कि जोगी वैरनाथ की उचित भावना थी इसलिए उसने मां का पीछा किया, वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। जोगी वैरनाथ एक पहुंचा हुआ योगी था, वह ये जानना चाहता था ये शक्ति कौन है, कि यदि कोई मायावी शक्ति जो इस प्रकार अपनी माया द्वारा जो है जो लोगों को भ्रमित कर रही है, इस प्रकार अपना चमत्कार इसने दिखलाया है तो ये मेरी माया के सामने टिक नहीं पाएगी। अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी योगी वैरनाथ ने और यदि जो है उस मां भगवती आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिए है तो इनके हाथों मेरा मोक्ष होगा। जैसे रावण को सबने समझाया कि राम जो है सामान्य मनुष्य नहीं है, सामान्य मानव नहीं है, जो भगवान का अवतार है, इनकी शरण में चले जाइए। तब जो है रावण उस समय यही उत्तर दिया था कि यदि जो मायावी मानव है और अपनी माया द्वारा ऐसे चमत्कार दिखला कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो मेरी माया के सामने ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि रावण ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। और यदि उस परम पिता परमात्मा ने अवतार ले लिए हैं तो इनके हाथों मेरा मोक्ष होगा और अंत में होगा भी यही।
और जो कहते हैं कि जोगी भैरवनाथ ने माँ का पीछा किया, माँ बाणगंगा के पास खड़ी थी, हनुमान जी ने माँ को कहा कि माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है, कहीं जल नहीं था, तो वहां पर माँ ने बाण मारा, बाण के द्वारा गंगा पलट के हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माँ ने वहां पर स्नान किए, अपने केश धोए, इसलिए स्थान को दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। बाण के द्वारा प्रकट की गंगा है, इसलिए बाण गंगा को बोला जाता है। जहां पर माँ ने अपने बाल केश धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा के नाम से पुकारा जाता है। जहां पर भक्तजन आकर के स्नान करते हैं, भाई पीछे थोड़ा पीछे जो है एक होल बना हुआ, जहां से गंगा निकली हुई, जहां पर माँ ने बाण मारा था। भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं, वहां बाण गंगा में स्नान करते और कृत होते हैं। वहां से माँ चली और चलते चलते जो चंदपात को पहुंचे, वहां माँ ने रुक करके पीछे मुड़ करके देखा तो जोगी भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा था, तो चंदपात का माँ के रुकने के चंद चिन्ह है। जब भक्त जन माँ के दर्शन के लिए माँ के दरबार में आते हैं, वहां चरण पादुका में जो है कुक्षण बाहर रुकते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और वहां का चरणामृत ग्रहण कर करके कृतकृत होते हैं। फिर माँ वहां से चले अर्धकुआरी पहुंची, अर्धकुआरी में जो है उस गुहा के अंदर 9 महीने तक तप करती रही। जैसे एक बालक बच्चा जो माँ के घर में 9 महीने तक रहते हैं, वैसे ही माँ जो है उस गुहा के अंदर 9 महीने तक जो है तप करती रही, इसलिए उस गुफा का नाम जो गर्भजून रखा गया। जब जोगी वैरवनाथ माँ का पीछा करते वहां भी आ पहुंचा, तो माँ ने अपनी शक्ति दर दूसरी ओर से रास्ता निकाला और वहां से भी बहन निकल पड़ी। चलते चलते माँ भगवती वैष्णवी इस गुह दर पर आ पहुंची, जहां आकर के माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि हनुमान मैं इस गुहा के अंदर प्रवेश कर रही हूं, आप इस द्वार पर जो है प्रहरी के रूप में खड़े रहना, कोई आए उसको बाहर रोकना, कोई भी इस गुफा के अंदर प्रवेश न कर पाए। इतने कहकर के माँ इस गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। अब जो हनुमान जी प्रहरी के रूप में जहां पर द्वार पर खड़े हो गए, कालांतर के समय के उपरांत जो है जोगी वैरवनाथ माँ का पीछा करता हुआ जब जहां भी आ पहुंचा उस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा, तो हनुमान जी ने धक्का देकर पीछे फेंक दिया। अब वह बार बार हट करते हैं अंदर जाने के लिए, हनुमान जी उसको धक्का देके पीछे फेंकते हैं और इसी स्थान पर जहां बैठे हुए हैं, यहीं पर जो हनुमान का और जोगी वैरवनाथ का युद्ध हुआ था। परस्पर दोनों की जहां पर जो मुष्टा मुष्टि होने लगी, युद्ध होने लगा और बार बार वे आगे जाते हैं, हनुमान जी उसको पीछे फेंक देते हैं। ये सारी लीला माँ अपने योग द्वारा देख रही थी, तब माँ ने विचार किया इस दुष्ट को बड़ा समय दिया, इसने अपनी दुष्टता अब तक छोड़ी नहीं, अब इसका वध करना उचित है। तो कहते कि माँ स्वयं गुफा से बाहर आई, इसी स्थान पर माँ ने जोगी भैरवनाथ का शीश जो था काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जो है जहां से 2 किलो दूर भैरवनाथ की घाटी भाग गिरा हुआ है और धड़ आपके सामने इस गुफा द्वार पर गिरा हुआ है, जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है माँ के दर्शनों के लिए गुफा के अंदर जाते हैं। माँ ने यही इसी द्वार से इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था, जो परम पवित्र गुफा जो है, कहते इस गुफा के अंदर 33 करोड़ देव देवताओं का निवास है। इस गुफा के अंदर से जब साधक जन जो है दर्शन करते हैं, तो 33 करोड़ देव देवताओं का जो है एक साथ जो है उन्हें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस गुफा का, प्राचीन गुफा का इतना महत्व है कि इन दिनों जब भीड़ कम होती है, तो भक्तों के लिए जो गुफा का प्राचीन द्वार जो खोला जाता है, ताकि वह इस द्वार से वह माँ के दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, सभी देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और वह परम कल्याण को प्राप्त हो। अब जोगी वैरवनाथ जो है विलाप करता हुआ माँ से प्रार्थना करने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा कि माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मैं आपको पहचान नहीं सका माँ, मैं पापी हूं। अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ माँ से कहने लगा कि माँ मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका, आने वाले समय में लोग मुझे किस दृष्टि देखेंगे, माँ मुझ पर कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो उस समय कहते हैं कि जोगी वैरवनाथ जब माँ से क्षमा प्रार्थना की अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, तो माँ ने कहा कि जोगी राय आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित किया है,
मैं आपको क्षमा करती हूँ और जब वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाति बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। इससे सिद्ध होता है से बड़ा पापी, बड़े से बड़े कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से माँ के शरणागत होकर के माँ से क्षमा प्रार्थना करता है कि मुझसे अपराध हुए, मुझसे पाप हुए, माँ मुझे क्षमा कीजिए और आगे के लिए मैं संकल्प लेता हूँ कभी पाप कर्म नहीं करूंगा, कभी कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, माँ मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, मैं धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता हुआ आपके चरणों की भक्ति करता हुआ कल्याण को प्राप्त हो सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। और माँ की कृपा होती भी जब भक्त इस प्रकार से माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करता है, ऐसे उसकी माँ से लगन लगती है, फिर वह नाम माँ का नाम जो है 24 घंटे उसकी जिब्बा पर रहता है, इसका ध्यान इसका स्मरण जो वह करता है और वह कल्याण को प्राप्त, इतने नहीं उसका वंश भी कल्याण को प्राप्त होता है। मां ने उसे वरदान दिया और आप भी जो है आप देखते हैं भक्तजन जब मां के दर्शन के लिए आते हैं, मां के दर्शन करके जो है फिर भैरव जी के दर्शन करते हैं, भैरव जी को ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भय अब देव रूप है, भय भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करता है। और अब तो श्राइन बोर्ड ने जो है भक्तों के लिए और भी सुविधा कर दी है कि रोपवे बना करके अब जो 3 मिनट में भक्त जी है वहां पर पहुंच जाता है भैरव के दर्शन के लिए। तो माँ के दर्शन के उपरांत जो है भैरवनाथ के दर्शन जो है करने से यात्रा जो भक्त की सफल होती है। अब माँ जो है इस गुफा के अंदर पूर्ण इस पिंडी के रूप में विराजमान है और हनुमान जी इस गुफा के अंदर जैसे द्वार के अंदर प्रवेश करो तो बाई तरफ जो है हनुमान की इस प्रकार से स्वरूप है उनका कि हनुमान जी इस गुफा द्वार विराजमान है और भगवती गुफा के अंदर पिंडी को विराजमान है जिनके दर्शन सभी आते हैं। उधर भक्त श्रीधर जो है दिन रात चिंता करने लगा कि माँ कहाँ चलेंगी। माँ ने एक दिन उसे सपन में दर्शन दिए और अपने सास ये दुर्ग मार्ग दिखलाते हुए इस गुफा द्वार पर ले आई और जा करके इस गुफा के अंदर भक्त श्रीधर जी को अपने पिंडी गुरु में दर्शन दिखलाया और कहा मैं इस गुफा के अंदर इस पिंडी गुरु में विराजमान हूँ, मेरा यही स्वरूप है, इस पिंडी गुरु में जहाँ बैठ करके मैं तब कर रही हूँ, जब घोर कलयुग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव होगा, मैं प्रकट होंगी, पापियों का नाश करूंगी, भक्तों की रक्षा करूंगी। हे भक्तराज मैं जहां पर जो पिंडी गुरु में होकर के तब कर रही हूँ, मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे घर कोई संतान नहीं है, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में 1 नहीं 4 पुत्र होंगे, मेरी पूजा का भार संभालना, प्रातःकाल का सपन था, भक्त सरदी उठे स्नान किया, माँ का आशीर्वाद लिए घर से चल पड़ा। ये दुर्गम मार्ग से होते हुए भक्त श्रीधर जी एक दिन इस गुहाद्वार पर पहुंचे, जो भक्त श्रीधर जी का 750 वर्ष पुराना इतिहास है। जहां पर आए और सबसे पहले भक्त श्रीधर जी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया, जहां पर तो उस समय था ही कुछ नहीं, आज तो जंगल में मंगल है, 24 घंटे भक्त जन जो है माँ की जय जयकार कर रहे हैं, उस समय अकेला जो है भक्त श्रीधर जी यहाँ पर पहुंचा जिसे माँ ने बुलाया और इस प्रकार से माँ के द्वार में आकर के भक्त श्रीधर ने गुफा के अंदर प्रवेश किया और सबसे पहले सर्वप्रथम जो है भक्त श्रीधर ने पिंडिक रूम में माँ के दर्शन किए और फिर बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के जहाँ पर माँ की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। तब से कालांतर के समय उपरांत माँ के आशीर्वाद से भक्त श्रीधर के घर जो माँ का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और भक्त श्रीधर के घर जो है माँ का आशीर्वाद से माँ का वरदान से जो है उसके घर 4 पुत्र हुए। आज भी पुजारीगण जो है उन्हीं श्रीधर के वंश से जो है माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर इस प्रकार से इतनी कृपा आज भी भक्त श्रीधर पर जो है कि माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से भक्त श्रीधर का वंश जो है आज भी फल फूल रहा है।
ये कृपा होती है माँ की। इसलिए कहा है कि जिस गृहस्थ में, जिस परिवार में इस माँ की पूजा होती है, माँ की योग जगती है, उस वंश पर ऐसी कृपा हो जाती है कि जब तक सृष्टि रहते हैं, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा विद्यमान रहते हैं, जब तक सूर्य चंद्रमा गतिमान रहते हैं, तब तक उनका वंश है, वह चलता रहता है। और चलता है बल्कि वह धर्म के मार्ग पर चलता, धर्म कुल कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अवधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, जीवन को विघ्न बाधा ना आए, हम निरोगी जीवन जीते हुए धर्म कर्म करते हुए हम जो है इस संसार में सब सुखों का भोग करते हुए हमारा परलोक सुखमय हो जाए, तो उन्हें सदा सर्वदा माँ के शरणागत होकर के इस कल्याणमय देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जे सब ओर से कल्याण को देने वाली है, सुखों को देने वाली है, दुखों का नाश करने वाली है और सर्वत्र मंगल मंगल करने वाली है। तो माँ भगवती सदा सर्वदा आपका कल्याण करें, आपका मंगल करें, आप सबको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और सदा सर्वदा इसी तरह से अपने दरबार में आपको बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भजन की वेला निवेदन कर माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त कीर्तन में सहयोग देना शामिल कर बोलो ताली बजाते हुए श्री सुरेश जी। जय करा मेरे शिरोमणि मेरे जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाए जाएगी तू, जय माता दी बोल। बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। ताली से हाथ उठाए पहले ताले नहीं, ताली के बाद माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्त ने अपने अपने हाथ को उठाकर सभी चरणों में अपने अपने हाथ दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती माँ भक्तों की हाजिरी स्वीकार करे, आपके झोलिए भरे, आपके मुरादे पूरी करे, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया, मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया, मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया, मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया, उसको ही माँ जगदम्बे ने अपने धाम बुलाया, उसको ही माँ जगदम्बे ने अपने धाम बुलाया। तुझको मुक्ति मिल जाएगी तू, जय माता दी बोल। तुझको मुक्ति मिल जाएगी तू, जय माता दी बोल। हाँ जय माता दी बोल प्यारे, क्या लागे रे रमो। जय माता दी बोल प्यारे, क्या लागे रे रमो। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। हाँ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, धनानी भूमो पशवास गोष्ठ ना
बारी गृह द्वारे जना शमशान देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरे कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरे भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी भूल गया तू मिली थी तुझको आयु ही थोड़ी हम माया काम नहीं आएगी तू जय माता दी माया काम नहीं आएगी तू जय माता की बो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू जय माता दी बो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू जय माता की बो हाँ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू जय माता दी बो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया और विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया मिट्टी में मिल जाएगी तू जय माता दी बो माया मिट्टी में मिल जाएगी तू जय माता दी बो तो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू जय माता दी बो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू जय माता दी बो जय माता दी बोल प्यारे क्या लागे तेरा जयकारा मेरी शेरावली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय तुम्हें भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी जयकारा शेरावली दा बोल सच्चे दरबार की जय आवांगे हर साल दाती तेरे आवांगे आवांगे हर साल दाती तेरे आवांगे पावांगे पावांगियां मुरादा पावांगे पावांगियां मुरादा पावांगे आवांगे आवांगे हर साल दाती तेरे आवांगे 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 हर साल दाती तेरे आवांगे खेता दुनिया छतर ले आई हो खेता दुनिया छतर ले आई आरती वेले जो जगाइए आरती वेले जो जगाइए खेता दुनिया छतर ले आई खेता दुनिया छतर ले आई आरती वेले जो जगाइए आरती वेले जो जगाइए कंडे चुलाइए लाल दात तेरे आवांगे 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 हर लाल दात तेरे आवांगे 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 हर लाल दात तेरे आवांगे पावांगे मुहमंगियां मुरादा पावांगे 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 मुहमंगियां मुरादा पावांगे बाल बच्चे विच सुख बरसा ओ बाल बच्चे विच सुख बरसा में दुख दुख दी प्यास मिटा में दुख दुख दी प्यास मिटा में
बचे विच सुख भर जावे बाल बचे विच सुख भर जावे दुख भुख की प्यास मिटावे दुख भुख की प्यास मिटावे पूरे करी सवाल दाते तेरे आवांगे 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 आवांगे ਠੰਡੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰੀ ਖਿਆਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ 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 ਹਰ ਗਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ 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 ਹਰ ਗਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਤੇ ਹੋਰਨ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈ ਦਾਤੇ ਹੋਰਨ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈ ਦਾਤੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਤੇ ਹੋਰਨ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈ ਦਾਤੇ ਹੋਰਨ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈ ਦਾਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਬਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਬਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਬਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ 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 ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ 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 ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੋਹ ਬਗਿਆ ਮੁਰਾਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਨਿਆ ਪੂਜਨ ਯੱਗ ਕਰਾਈ ਪੂਜਨ ਯੱਗ ਕਰਾਈਏ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਈਏ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਈਏ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਯੱਗ ਕਰਾਈਏ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਯੱਗ ਕਰਾਈਏ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਈਏ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਈਏ ਫੁਲਾ ਦਿਓ ਧਨਵਾਨ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫੁਲਾ ਦਿਓ ਧਨਵਾਨ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਗਾ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਗਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਲੈ ਲੈ ਦੁਆ ਦਾ ਥਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਲੈ ਦੁਆ ਦਾ ਥਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਟੇ ਚੁਰਾਸੀ ਜਾਨ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਟੇ ਚੁਰਾਸੀ ਜਾਨ ਦਾਤ ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੰਗੀਆਂ
ਮੋ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਬੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਰਾਵਲੀ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਹੱਕਾ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ 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 ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਭੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਵਕਤ ਕਭੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਪਿਆਰੇ ਪਛਤਾਏਗਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਪਿਆਰੇ ਪਛਤਾਏਗਾ ਉਹ ਬੀਤਾ ਵਕਤ ਕਭੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਯਤਨ ਪਿਆਰੇ ਪਛਤਾਏਗਾ ਕਰਕੇ ਲਾਖ ਯਤਨ ਪਿਆਰੇ ਪਛਤਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਕਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਮਈਆ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਮਈਆ ਨਾਮ
जन्म गवाए मैया, नाम के बिना काहे जन्म गवाए मैया, नाम के बिना तू काहे जन्म गवाए मैया, नाम के बिना काहे जन्म गवाए मैया, नाम के बिना। जयकारा शेरावली का बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरावली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की। तू आ जा बड़े चिर तो लगी आस दर्शन दे, तू आ जा बड़े जो लड़िए आस दर्शन दे, तू आ जा बड़े चिर तो लगिए आस दर्शन दे, आ जा दर्श मंगदा सुनो फरियाद निरहन मत बदल जाए मिले जे तूड़ चरण, मत बदल जाए मिले जे तूड़ चरण, आ जा बड़े चिर तो लगिए आस दर्शन, करम कर दे जे मेरे ते तमित जाए प्यास मेरे मन, करम कर
आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु फाल्गुन मास की आज तीन प्रविष्टि हैं। माघ शुक्ल पक्ष आज दसवीं तिथि है। शुक्रवार तदनुसार 15 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्ति माँ भगवती की असीमण कंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भवन भव शर्मान सस्वी भव प्रज्ञा भवन भव भूर भूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्वदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पंडतः सर्वोपकारी भव मंत्राथ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यमावदत् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। संभल के बोला ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मैया जय ओम
बल से दो नैना चंद्र बदन
पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा, सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा, बोलो सच्चे धर्मधारी की जय। क्षमा करो अपराध शरण में आओ, क्षमा करो अपराध शरण गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की Jai Jai Ambe, 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 Jai
जी आरती प्रारंभ करते ही आप सब आरती गंध लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। आनंद करो कल्याणी कल्याण दोपहर तो सतगरी जो चरना जाए
मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावाली दास।
जो से सबकी लेनी है जो जो से सबकी लो जो जो से पीठ पे ओम गाजी गुरु चल गुरु से और जो से सबकी लो तेरे संत का नमस्ते नमस्ते नमो नमः दो इधर भी शुरू जाओ प्रभु जाओ जाओ